हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही झटपट सी एक मिठाई तैयार करेंगे, तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो एक पैन में हम 1 कप दूध डाल देंगे। दूध का आधा हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी हमने कम डाली है क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर में भी काफ़ी मिठास होती है। तो 1 कप हमने दूध लिया था और 1 कप हमने मिल्क पाउडर भी लिया है। थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते जाएंगे और हम इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे, वरना हमारे मिक्सचर में लम्स पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और साथ ही में हम इसे मिलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं और ये हमारा मिक्सचर थिक होना भी स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें 50 ग्राम नारियल का बुरादा डाल देंगे। वापस से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे ताकि हमारी मिठाई देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। तो ये हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को बंद करके हम पैन को नीचे उतार लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। तो ये हमने बर्तन लिया है, इसके उल्टे साइड में हमने अच्छे से घी स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें मिक्सचर को डाल देंगे। एक दो बार हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और फिर हम इसे थाली पे अच्छे से फैला देंगे। इसे बराबर करने के लिए हम हल्के हाथों से बेलन भी चला लेंगे इस पे, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से फैल जाएं और इनका शेप भी बिल्कुल बराबर हो जाए। गार्निशिंग के लिए हमने पिस्ता बादाम लिया है। आप इस पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो 15 मिनट बाद ये हमारा मिक्सचर अच्छे से सेट हो चुका है। तो हमने ये कुकी कटर लिया हुआ है, आप चाहें तो इसे नॉर्मली चाकू से भी काट के किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए, कितनी झटपट मिल्क पाउडर से हमारी बढ़िया सी बर्फी बनके तैयार है। फूड कलर डालने की वजह से इनका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप चाहें तो फूड कलर नहीं भी डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनके हमारी ये मिठाई तैयार हो जाती है, तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।